हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 131 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहले तीन का गुणनफल 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तद अनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो चार अभाज्य संख्याएँ हैं और क्या बोला है कि जो स्टार्टिंग की तीन संख्याएं हैं उनका गुणनफल है 385, जो लास्ट की तीन संख्याएं हैं उनका गुणनफल है 1001 और ये आरोही क्रम में है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो जो ये बीच की दो संख्याएं हैं इन दोनों में वे कॉमन होंगी। तो सबसे पहले इनके फैक्टर बनाते हैं। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 3 8, में से 8 माइनस करेंगे 0, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 35 के फैक्टर करेंगे तो 5 और 7, तो आरोही क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। अब इसके फैक्टर करते हैं, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 निम्न 99, फिर बचेगा 1, 11 एकम 11, 91 के फैक्टर बनाएंगे, ये होता है 13 सत्ते 91। आरोही क्रम में लगा लेते हैं, 7 × 11 × 13, तो ये दोनों संख्या यहाँ पर कॉमन है। तो चार कौन सी संख्या हो जाएंगे वे, 5 × 7 × 11 × 13। स्टार्टिंग के तीन का गुणनफल ये हो जाएगा और लास्ट के तीन का गुणनफल ये हो जाएगा, तो वे चारों संख्या ये हो जाएंगी। हमसे पूछा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133 करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 प्लस में 1 एंड 3 की पावर 3 और उसकी पावर 334 प्लस में। जब ऐसी कोई संख्या आती है तो उनमें अगर एचसीएफ पूछे तो छोटी वाली संख्या है वो उसका एचसीएफ हो जाएगी, और एलसीएम पूछे तो बड़ी वाली संख्या उसका एलसीएम हो जाएगी। इसका बेसिक समझ लेते हैं। पहले बड़ी वाली संख्या को उठाते हैं, क्या लिख रहेगा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 334, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 334 को लिख सकते हैं 1 जमा 333। अब 3 की पावर 3, इसकी पावर 1 और प्लस 333 है, तो इसकी पावर 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 333। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 334 हो जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 333 और पूरे की पावर 3 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेस तो था 3, इसकी पावर 3 की पावर 333 इसको लिख लेंगे और पूरे की पावर 3 की पावर 1 लिख लेंगे, और प्लस में 1 तो सबके था, ये नीचे होगा प्लस 1। 1 के साथ भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 के साथ कितनी पावर लिख सकते हैं, 1 ही रहेगा। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक आइडेंटिटी होती है a³ + b³, इसको हम लिख सकते हैं a + b² - ab + b², तो a यहाँ पर है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 प्लस b यहाँ पर है 1, और यहाँ पर a² - ab + b², इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी वैल्यू ये है, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 प्लस में 1, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यही कॉमन है, और एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देख, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 3 और उसकी पावर 333 प्लस में 1, ये ऑप्शन है सी के अंदर। अब इसको हमने ये कैसे लिखा है ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसको एक छोटे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, ये 128 × 216 256। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हमने जैसे इसको यहाँ लिखा था, ये मल्टीप्लाई में होगा तभी पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 थी, और पूरे की पावर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और पूरे की पावर है 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 की पावर 2 256। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं।
किसी चीज़ को रटना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको ऐसे समझाया है। क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं। एच सी एफ ऑफ पी एंड क्या, इफ पी, पी क्या दे रखा है, ये 2 की पावर 3 होगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और क्या यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पर हमें एच सी एफ बताना है। तो एच सी एफ क्या होता है, कॉमन पार्ट। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में क्या कॉमन है, 2 की पावर 3। एच सी एफ में जो छोटी पावर होती है वो लेते हैं, और एल सी एफ में बड़ी पावर लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 और यहाँ पर 3 की पावर 1, क्या कॉमन है, 3 की पावर 1। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 नहीं है, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन के अंदर है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 करते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनके महत्तम समापवर्त है, और एलसीएम क्या है, 3 और 168, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ दे रखा हमें 45, और एच सी एफ दे रखा है 3, और एलसीएम दे रखा 168। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एच ए बी इजिकल टू एल, ये पिछली वीडियो में ये सीखा था इसका बेसिक, कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। अगर आपको ये समझना तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो एच यहाँ पर कितना है, 3, ए बी क्या है यहाँ पर, ये फैक्टर है, रेशियो, एलसीएम है 168, एलसीएम या मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाएंगे डिवाइड में 3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 6 18। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से 56 आ जाएगी। ए और बी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, पहले दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। पहला नंबर और दूसरा नंबर का जोड़ है 45, तो पहले नंबर को क्या लिख सकते हैं, एच ए, प्लस में सेकेंड नंबर को एच बी लिख सकते हैं, ये पीछे वाली वीडियो में हमने सीखा था, 45। यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी 45, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45/HCF, HCF था 3, तो 45/3 हो जाएगा ये 15। अगर यहाँ से इनकी वैल्यू बेसिक से निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, उनकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट दिख रहा है, 8 और 7 15 है, और 8 और 7 56, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 8, या फिर बी की, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, बी की 7, कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें जोड़ी निकालना है। तो नंबर कितना हो जाएगा, एच ए, एच था 3, 3 7 21। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 3 8 24। इनके व्युत्क्रमों का जोड़ मतलब इन संख्याओं को उल्टा करेंगे, तो 1/21 और दूसरी संख्या 1/24, और इनका फिर हमें जोड़ निकालना है। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये होता है 3 7 21 और 3 8 24, 56 × 3, 3 8 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168, और ऊपर हो जाएगा कितना, 7 8 56, 7 21 तो 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 15/168। इसको सोल्व करेंगे तो 3 6 3 5 15, 3 5 15 और 3 6 18, 5/56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो सीख लेते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या और डिवाइड में एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, तो इनका जोड़ है 45, एच सी एफ है 3, मल्टीप्लाई एल सी एम है 168। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 से सोल्व कर फिर 3 से होगा ये, 3 5 15 3 5 15 और 3 6 18, तो 5/56, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 136 करते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा 36 और एच सी एफ दे रखा है 3, एल सी एम दे रखा 105। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, इनका जोड़ और नीचे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। अगर बेसिक से करना हो तो पीछे समझाया था वैसे ही कर लेना, इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो जोड़ हो जाएगा 36, एच सी एफ 3, मल्टीप्लाई एल सी एम 105। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 1 3 3 2 6, ये फिर हो जाएगा 3 से 3 6 12, 3 3 9, 3 5 15, तो 4/35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137।
दो अभाज्य संख्याएं x एंड y और x बड़ा है y से का इनका एलसीएम 161 है। तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दे रखी x और y और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वही इनका एलसीएम आएगा। तो x मल्टीप्लाई वाई कितना है 161। इनके फैक्टर बनाते हैं, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो दो से नहीं है, तीन से भी नहीं होगा, ये चार से तो होगा नहीं, पाँच से, छः से, सात से करते हैं, 7 × 2 = 14 + 2 = 21, 7 से हो जाएगा, 7 × 23। तो वह संख्या हो जाएंगी 7 और 23। लेकिन एक बात बोली थी कि x बड़ा है, तो x बड़ा है तो x हो जाएगा 23 और y हो जाएगा 7। हमसे क्या पूछा है, 3y - x, y है 7, तो 3 × 7 = 21 माइनस x था 23, तो ये हो जाएगा -2। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। दो बीजगणितीय व्यंजकों x एंड y का महत्तम समापवर्तक वह लघुत्तम समापवर्तक क्रम से a और b है। यदि a प्लस बी बराबर है x और y, x प्लस y के, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि दो संख्याएं हैं x और y और इनका HCF तो है a और LCM है b, तो इनका जोड़ इन संख्याओं के जोड़ के बराबर है। इनका जोड़ कब हो सकता है, जब ये सेम संख्याएं हों। तो इनके हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 और 4, तो इनका HCF कितना हो जाएगा 2 और LCM कितना हो जाएगा 4। कोई भी पारा उठा लेते हैं उसे ये हो जाएगा। तो a प्लस बी, ए क्या, ए है यहाँ पर HCF, तो HCF है 2, बी LCM 4, संख्या हो जाएंगी 2 और 4। तो ये प्रूव हो जाएगा 6 = 6। हमसे पूछा क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए था वही x था, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और बी था वही y था, तो ये हो जाएगा y क्यूब। किसके अंदर है ये ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर, ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप 3 और 6 ले सकते हो, तो एच सी एफ 3 होगा, LCM 6 हो जाएगा। 139 करते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है, इनका योग है 45 और इनका अंतर उनके योग का 1/9 है, और इनका अंतर योग का 1/9, योग है 45, इनका 1/9 कितना हो जाएगा 5। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 45 और 5 50/2 = 25। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 में से 5 माइनस करेंगे 40/2 = 20। हमसे पूछा कि इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये होता है 5 × 5 और ये कितना होता है 5 × 4। एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है वो लेंगे पहले, तो कितना है 5, जो बच जाएगा उसको भी लेंगे। यहाँ पर 5 बच गया था और यहाँ पर 4, 25 × 100। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140 करते हैं। तीन अंकों की दो संख्याओं का HCF 17 है और LCM 714 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फॉर्मूला था HAB = L, एक फॉर्मूला और था हमारे पास कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उसके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी, तो हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। AB कितना हो जाएगा LCM / HCF, LCM था 714 और HCF था 17, इसको सोल्व कर लेते हैं। 17 × 68 बचेगा 3 और 17 × 34, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 × 42, 2 × 21 और 3 × 14 और 6 × 7। अब संख्याएं बनानी है तो क्या करेंगे, रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात और बोली थी कि जो ये संख्या ये तीन अंकों की हैं, तो क्या करेंगे HCF से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 17 × 17, एक संख्या 17 बनेगी जो कि दो अंकों की है, तो ये हमारी रेशियो नहीं होगी। फिर बोला है दूसरी कहते 17 × 34, ये भी नहीं होगी, तीन अंकों की संख्या नहीं है ये, 34 दो अंकों की है। फिर 17 × 51, ये भी दो अंकों की है, 17 × 6 = 102 और 17 × 7 = 119, तो ये दोनों तीन अंकों की संख्या, तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी। लेकिन हमसे इसने पूछा कि इन दोनों का योग बताओ, तो योग कितना हो जाएगा,
दो और दो, 221 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 141 करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसको किससे भाग करें, 4 से, 6 से, 8 से और 9 से, तो पूरा भाग चला जाए, और 13 से भाग करें तो शेष 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या होगी और बड़ी संख्या का एलसीएम निकलता है, बड़ी संख्या के लिए एलसीएम निकलता है। तो 3 गुणा 3 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा 9 8 72। और 72 को 13 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा शेष, 13 5 65 और 7, तो 72 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 रिमाइंडर आ रहा है इसको डिवाइड करने से, किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142 करते हैं। दो संख्याओं 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याएं दे रखी है 28 और 42, हमसे क्या बोल रहा है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 28 कितना हो जाएगा, 7 को मन दिख रहा है, 7 चौके 28 और 7 छक्का 42, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, तो क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 14 तो कॉमन है, तो एलसीएम के लिए कॉमन पार्ट लेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लेंगे, तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया। एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन पार्ट लेंगे, कॉमन पार्ट क्या है इनमें अंदर, 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 1, तो 6:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143 करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी हैं और इनका हमें एच सी एफ फाइंड करना है, एक्स की पावर 4 - x² - 6, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 - 4x² और +3। तो ऐसे क्वेश्चन को हम भाग विधि से देख सकते हैं, बाय ऑप्शन उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हर एक ऑप्शन को उठा के देखेंगे और इन दोनों को उससे भाग करके देखेंगे, अगर पूरा भाग चला जाएगा तो जो जो हमने ऑप्शन उठाया है वही इसका एच सी एफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बेसिक से देखें तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पर जो एक्स की पावर 2 है उसको ए पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2 - a - 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए की पावर 2 - 4a + 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमने एक्स की पावर 2 को ए के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए की पावर 2, जो मल्टीप्लाई करें तो 6a² होना चाहिए, उनको प्लस करें तो -a होना चाहिए, तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, -3a और +2a, -6, ये इसकी जगह लिख लेंगे, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे, जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -a आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a² आएगा। अब यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा a - 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a - 3 बचेगा, तो a+2 एक फैक्टर ये हो जाएगा, और a - 3, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे 4a के, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 3a² प्लस करें तो -4a, तो ये हो जाएगा a² -3a और -a +3, इनको प्लस करेंगे तो -4a, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a², यहाँ से a कॉमन ले लेंगे a - 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a - 3, तो एक फैक्टर हो जाएगा a - 3 और एक रूट हो जाएगा a - 3, इन दोनों को 0 को इक्वल पुट कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर ही कॉमन रूट ही देखना बस, तो यहाँ पे कॉमन रूट है a - 3 और यहाँ भी a - 3, तो ये इसका एच सी एफ हो जाएगा, लेकिन एक किसके इक्वल था, x² के, तो x² - 3 और यहाँ भी x² - 3, तो ये इसका एच सी एफ हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए, यहाँ पर ये ऑप्शन ए के अंदर x³ नहीं है, ये x² होगा, x² - 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144, इसको भाग विधि से भी कर सकते थे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे भाग करना। एक्स की पावर 6 - 1 और एक इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 + 2 की पावर 2x³ और -2x और -1, ऑप्शन ए दे रखा है x² + 1, ऑप्शन बी x - 1,
ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस वन और ऑप्शन डी एक्स प्लस वन। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे कोई भी ऑप्शन उठाएंगे उसको जीरो के इक्वल रखेंगे जिससे हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल रखें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से वन आ जाएगी, और इस एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको बराबर रख देंगे इस इक्वेशन के। अगर ये बराबर आ जाएंगी तो वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ ऑप्शन के अंदर एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो वहाँ हम ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे वन हो जाएगा और इसका एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस वन आ जाएगा, जिससे आगे जाके ये जैसे एक्स क्यूब है यहाँ से तो ये आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर फिर दिक्कत आएगी इसको सोल्व करने में। इसको हम भाग विधि से देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स चार एक्स दो होती तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है इसलिए रख नहीं सकते, यहाँ पर आयोटा बन जाएगा। तो हम इसको भाग विधि से देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए उठाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको एक्स की पावर छः माइनस वन से डिवाइड करते हैं। अगर पूरा भाग चला जाएगा तो ये इसका एच सी एफ हो जाएगा, लेकिन इससे भी होना चाहिए, दोनों को चेक करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यों हो जाएगा, जैसे संख्या 16 है एक 24 है तो इनका एच सी एफ कितना हो जाएगा 8, तो इनको हम डिवाइड करके देखेंगे 16 को 8 से, तो ये पूरा भाग होना चाहिए तभी इसका एच सी एफ हो जाएगा, और 24 भी 8 से पूरा भाग होना चाहिए तो 8 इसका एच सी एफ है। तो ऐसे ही इसका एच सी एफ है, इसको चेक करने के लिए इनको दोनों संख्या को भाग करके देखना पड़ेगा। तो हम भाग करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर है x की पावर 6, यहाँ पर है x की पावर 2, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 6 बन जाए, तो इसको करेंगे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई। जैसे x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 6 बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x की पावर 6, x की पावर 4 को फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x की पावर 4, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, फिर माइनस करेंगे तो निशानी चेंज हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस 1, अब क्या करें कि ये माइनस एक्स 4 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करें इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स की पावर 2 से, तभी एक्स की पावर 4 बनेगा, लेकिन माइनस 4 होना चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स 4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर निशानी चेंज हो जाएगी, इससे ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा इसको, ये करना पड़ेगा माइनस का 2 और फिर डिवाइड में एक्स क्यूब, तभी ये सेम बनेगा। तो ऐसे चलता जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में टाइम तो लगता है, ये ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, अभी जो मेल कॉन्स्टेबल वाला एग्जाम हुआ था, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये ऑप्शन हमारा चेक हो गया, अब ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इनको तो हम डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं एक्स की वैल्यू को, और एक्स ओके में दिक्कत आती है तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स की पावर 6 माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, डायरेक्ट रखना भी हम सीखेंगे अभी जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। तो इसको हम एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और माइनस का एक्स की पावर 4, निशानी चेंज हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको कि x की पावर 4 बन जाए, तो x की पावर 2 से, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, निशानी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि x की पावर 2 बन जाए, तो प्लस 1 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस 1, निशानी चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, मतलब ये हमारा एच सी एफ हो सकता है। इसको दूसरी संख्या से और डिवाइड करके देखेंगे, अभी पूरा डिवाइड होना चाहिए बस। तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 1, किससे डिवाइड करके देखना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स की पावर 4, इसकी फिर माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे 2 की पावर 2 एक्स क्यूब और फिर प्लस एक्स स्क्वेयर और फिर माइनस 2 एक्स और फिर माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि एक्स की पावर क्यूब और 2 बन जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा 2 से और एक्स से प्लस के, तो 2 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स क्यूब। अब 2 एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करनी है तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स, निशानी चेंज हो जाएगी माइनस और इसकी हो जाएगी प्लस, ये से कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल,
फिर यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर माइनस का वन। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि एक्स स्क्वेयर बन जाए, तो प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस वन की माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन। अब ये निशानी चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस से कैंसिल, ये जीरो बन गया। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन से, तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145 करते हैं। अगर यहाँ पर ये स्क्वेयर के अंदर नहीं होते तो डायरेक्ट कर सकते थे हम, इनकी वैल्यू पुट करके वो भी सीखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 145 करते हैं। एलसीएम पूछा हमसे और क्या दे रखा है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, सेकेंड टर्म दे रखी है ए क्यूब बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी क्यूब, और दे रखी है तीसरी टर्म ए बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं और बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वेयर और यहाँ पर क्या कितना बच जाएगा बी स्क्वेयर। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा ए और यहाँ पर बच जाएगा बी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कॉमन ले रखा है ए प्लस बी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर ब्रेकेट के अंदर ए प्लस बी, यहाँ पर है ए बी ए प्लस बी। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ पर ए बी, कौन सी बड़ी पावर है ये, तो इसको उठा लेंगे ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कर। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है यहाँ पर ए प्लस बी, इसको लिख लेंगे। और एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो कुछ बच जाता है फैक्टर उसको भी उठा लेते हैं, तो ये फैक्टर बच गया था इसको भी उठा लेंगे ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146 करते हैं। दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस में 2, दो नहीं है तीन है, और एक दे रखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1, और एक दे रखा एक्स की पावर 4 और माइनस 1। अब हमें इसमें एच सी एफ बताना है, एक्स माइनस 1 है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एक्स प्लस 1, और ऑप्शन सी है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वेयर के अंदर है इसको पुट करके देख लेते हैं, मतलब इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे अभी देखेंगे। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इससे, ये छोटा दिख रहा है एक्स पावर 4 माइनस 1, इसे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब एक्स की पावर 4 बनाना है तो इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 बन जाए, तो एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 4, अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, निशानी चेंज हो जाएगी, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और माइनस 1। अब एक्स स्क्वेयर है यहाँ भी एक्स स्क्वेयर, तो प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और ये माइनस 1, निशानी चेंज कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच जाएगा, तो इससे तो ये डिवाइड हो गया। इन दोनों को चेक करते हैं, अगर इन दोनों से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा, नहीं फिर और वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। इसको उठा लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो एक्स की पावर 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 2 से, तो एक्स की पावर 4 फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस एक्स स्क्वेयर, निशानी चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का एक्स स्क्वेयर था, फिर माइनस 3x, फिर प्लस का 2। अब एक्स की पावर 2 बनाना है तो प्लस 1 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के माइनस 1 से माइनस 1, इसको सोल्व कर लेते हैं, निशानी चेंज हो जाएंगी, तो कैंसिल ये, यहाँ से आएगा माइनस 3x और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 3। अब माइनस 3x बनाना है तो किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आना चाहिए, तो माइनस 3 से, और x है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
तीन बटा एक्स, निशानी चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से नीचे एक्स आएगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब स्क्वायर वाले तो हमने देख लिए, अब बच गई ये जो ऐसी वैल्यू होती है डायरेक्ट, जिसकी में एक्स की पावर एक होती है, उसको हम डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो पहली वैल्यू को रखते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ से आ जाएगा वन, तो एक्स की वैल्यू को इन दोनों तीनों के इक्वल रखेंगे, और एक्स की वैल्यू वन रखने से इन तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये हमारा एच एफ हो जाएगा, नहीं फिर हम इसको रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू एक रखते हैं इनके अंदर, यहाँ पर एक रखेंगे तो एक का एक की पावर चार एक हो जाएगा, यहाँ से तीन एकम तीन प्लस का दो बराबर इसके रखेंगे, यहाँ से एक होगा, यहाँ से -3 और यहाँ से +3 और यहाँ से -1 और यहाँ से रखेंगे तो एक माइनस एक, अब ये हो जाएगा दो और एक तीन, प्लस का तीन माइनस का तीन जीरो बराबर, तीन से तीन कैंसिल, एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, जीरो बराबर जीरो, तीनों सेम हो गए, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो ऐसे वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये जब एक्स की पावर दो हो तो वहाँ ये काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ से जो एक्स की पावर तीन होता है हर एक जगह, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर तीन है तो यहाँ पे ये आयोटा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जो एक्स की पावर दो हैं उनको डिवाइड करके देख लेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 करते हैं। एच सी एफ निकालना है 36, ब्रैकेट के अंदर 3 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 और माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, दूसरी टर्म दे रखी है 9, ब्रैकेट के अंदर 6 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स, और तीसरी टर्म दे रखी है 54, ब्रैकेट के अंदर 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स। इसमें हमें एच सी एफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम जो नंबर हैं उनमें देख लेते हैं, यहाँ से था 36 और यहाँ से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो बार लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x³ और यहाँ पर बच जाएगा 2x² और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा 18। अब 36, 18, 54 इन नंबर का एच सी एफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो 18 बार लेंगे, तो ऑप्शन के अंदर जिसमें 18 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 18 और ऑप्शन सी में है 18, तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए दे रखा था 18 एक्स एक्स प्लस 1, ऑप्शन सी दे रखा है 18 एक्स 3x माइनस में 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, पहले ऑप्शन ए उठाते हैं 18 एक्स एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो, तो 18 एक्स उठाएंगे इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी -1, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और तीनों को इक्वल रखेंगे, देखेंगे अगर सेम वैल्यू आ गई तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -1 रखना है, 36, 3 एक्स की वैल्यू -1, -1 का पावर 4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से -1 की वैल्यू है 3 तो ये -1 ही रहेगा, तो -1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस का 5, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो -2 बराबर रखना है इस वाले इक्वेशन के, तो यहाँ से होगा 18 एक्स की पावर 3 है तो माइनस का 1 होगा -3, यहाँ से एक्स की पावर 2 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 2, और माइनस का एक्स है तो माइनस माइनस प्लस बराबर 54, 27 एक्स की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 36, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 7 माइनस का 4, ये हो जाएगा 18, ये से कैंसिल हो जाएगा 18, यहाँ से ये दिख नहीं रहा ये बराबर है तो ये नॉट इक्वल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ, 18 एक्स 3x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा 3x माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 रखेंगे यहाँ पर, 36, 3 ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर मतलब 3 की पावर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर है तो 3 की पावर 2 बराबर रखना है, 18 3
गुणा एक, 3 की पावर 3 प्लस में 2 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, इनको 21 मत समझना, एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और माइनस में 1/3 बराबर रखना है 54, इसको मिटो देता हूँ, 54 27, एक्स की पावर 4 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4 माइनस में 1/3। अब यहाँ पर जो बेस है नीचे इसको बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ से 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ से 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर 3 बनाएंगे, 3 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ से 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि नीचे बेस बराबर हो जाए। अब इनको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3/3 की पावर 4 प्लस में 5 15/3 की पावर 4 प्लस में 3 की पावर 2 था तो ये हो जाएगा 9 9 18 और माइनस का 18/3 की पावर 4 इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 3/3 की पावर 3 प्लस में 3 2 6/3 की पावर 3 माइनस में ये हो जाएगा 9/3 की पावर 3 बराबर 54, यहाँ से हो जाएगा 27/3 की पावर 4 और माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है 27/3 की पावर 4। अब देखिए 15 और 3 18, प्लस का 18 और 3 की पावर 4 ये है माइनस का 18, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 और 6 9, ये माइनस का 9 है, कैंसिल हो जाएगा, 27 प्लस का और यहाँ पर माइनस का कैंसिल, ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो 0, यहाँ से 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो 0 और यहाँ से 0 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे 0, तीनों बराबर हो गए, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन था? सी। क्वेश्चन नंबर 148 करते हैं, तो ऑप्शन को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर बराबर आ गई तो हमारा वो एच एफ हो जाएगा। 148, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका जी सी डी 24 है, जी सी डी मतलब हमारा ये एच सी एफ ही है, तो हमें उनका एलसीएम बताना है, दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना दे रखा है 6912 और हमें एच सी एफ दे रखा है, जी सी डी को एच सी एफ ही बोलते हैं, 24, हमें एलसीएम निकालना है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एच सी एफ गुणा एलसीएम, इनके गुणा हमारे पास है ही 6912, एच सी एफ है 24, एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6912 डिवाइड में 24, किससे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम 4 से कर सकते हैं, 4 6 24, 4 1 4 बचे 2, 4 7 28, 1 4 2 8 और बचे 4 8 32, 6 से करेंगे तो 6 2 12 बचे 5, 6 8 48 और 6 8 48 तो 288 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149 करते हैं, सबसे छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि योग 5 6 4 और 3 से विभाज्य हो जाए, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़े तो किससे भाग हो जाएंगे, 5 से 6 से 4 से और 3 से, तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये से बड़ी संख्या होगी तो इनका एलसीएम निकलेगी और एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा वो, तो बड़ी संख्या उठाते हैं 2 गुणा 3 6, 5 के लिए 5 लिखेंगे, 4 के लिए 1 2 और चाहिए, 3 इसके अंदर है ही, 5 3 15 15 2 30 30 2 60, तो इनका एच सी एफ 60 है, लेकिन वो संख्या 60 के होगी, कोई के का मल्टीपल होगा, तो क्या करते हैं 2497 को डिवाइड करते हैं 60 से, या के की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं, तो 40 के आसपास तो 24 हो जाएगी, और 41 से करेंगे तो 2460 और 42 से करेंगे तो के की वैल्यू अगर यहाँ पर 42 रखेंगे तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, वैसे मैं आपको डिवाइड से भी करके दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 पे जाएगा 240, यहाँ से बचेगा 9 7 उठाएंगे, अब होगा ये 1 पर 60 कितना बचेगा 7 और 3 37, यह है पॉजिटिव रिमाइंडर, 37 इसके अंदर ज़्यादा है लेकिन हमें इसके अंदर कुछ प्लस करना है, तो प्लस करना तो इससे ज़्यादा वाली वैल्यू देखेंगे, तो उसके लिए हमें नेगेटिव रिमाइंडर देखना है, तो 60 में से 37 माइनस करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा ये 40 और 2 40 और 20 60, तो -23, तो -23 के अंदर कमी है, तो माइनस मतलब 23 इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या इसके मल्टीप्लाई से करके देख लेते हैं,
6 × 12, 6 × 24 और 1 25, 2520, इसमें से माइनस करेंगे 97, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 11 में से 9 गए 2, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। 150 करते हैं, यह है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक लाल लाइट प्रति मिनट 3 बार और एक हरी लाइट नियमित अंतराल पर 2 मिनट में 5 बार चमकती है। यदि दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं तो वे प्रत्येक घंटे में एक साथ कितनी बार चमकती हैं? तो लाल लाइट जो है वो 1 मिनट में 3 बार चमकती है और हरी लाइट जो है वो 2 मिनट में 5 बार चमकती है। तो एक बार कितनी मिनट में चमकेगी? हम एलसीएम मिनट का निकालेंगे, टाइम का, तो 1/3 मिनट में। ऐसी एक बार हरी लाइट कितनी मिनट में? 2/5 मिनट में। तो 1/3 मिनट, 2/5 मिनट, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर 2, एचसीएफ इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है तो 2 हो जाएगा। तो 2 मिनट में एक बार हमसे पूछा क्या कि 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, 2 मिनट में एक बार है तो 60 मिनट में 30 बार, 30 बार वो एक साथ चमकती हैं। लेकिन एक लाइन और बोली थी, यदि दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं तो ये बोली, तो एक बार इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31। इस ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन सी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।